हरियाणा में देहात के दंगल में किसकी जीत होगी और किसकी हार होती है, इसका फैसला कल होगा। पंचायत समिति और जिला परिषद पद के लिए कल काउंटिंग होगी। मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कल होगा जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। हिसार की अगर बात करें तो यहां 30 वार्ड के जिला परिषद के चुनाव परिणाम आएंगे। आपको बता दें कि आखिरी चरण में पंच और सरपंचों के लिए वोटिंग हुई थी, जिसके परिणाम कल ही आ गए थे और अब प्रत्याशियों को पंचायत समिति और जिला परिषद के परिणामों का इंतजार। हरियाणा में तीसरे चरण के तहत हुए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर कल जिला परिषद के तमाम बूथों की मतगणना की गिनती होगी। गिनती को लेकर तमाम तैयारी में भी मुकम्मल कर ली गई है। फिलहाल आपको तस्वीरें दिखाते हैं, आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं हिसार के जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम का जो विभाग है यहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भी एक तरह से काउंटिंग स्थल जो है वो बनाया गया है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि तमाम जितनी भी खिड़कियां हैं उनको एक तरह से पक्का यहां पर किया गया था, क्योंकि स्ट्रांग रूम भी यहीं पर बनाया गया और जितनी भी एक तरह से ईवीएम्स थी, मसलन इस खंड की जो इस एक तरह से जो यहां पर काउंटिंग होनी है, इस दायरे के आने वाले खंड की तमाम ईवीएम्स यहीं पर स्टोर की गई है। अभी कुछ देर पहले यहां पर ट्रेनिंग की प्रक्रिया भी हुई थी, जिसमें कल को लेकर होने वाली काउंटिंग के मद्देनजर तमाम एक तरह से वो बातें बताई गई हैं जिनका कल ख्याल रखना जरूरी है। साथ ही साथ अधिकारी वर्ग जो है वो लगातार उधर भी मौजूद होकर एक तरह से मंथन करता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हिसार जिला के दायरे के अंदर 30 वार्ड्स आते हैं जो जिला परिषद से संबंधित है। गांव की अगर संख्या की बात कर ली जाए तो करीबन 310 गांव जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। इन तमाम जगहों पर पोलिंग की प्रक्रिया पहले करवाई गई थी। अब जिस तरह से कल चार जिलों में, मसलन हिसार के साथ साथ फतेहाबाद और फरीदाबाद और पलवल, ये चारों डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी जिला परिषद की पोलिंग हुई थी उनकी गणना की प्रक्रिया जो है वो कल करवाई जाएगी। बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे से गणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तमाम जितने भी एक तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रावधान रहते हैं उसी के अनुरूप परिणाम जो है धीरे धीरे घोषित किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर कल जो मतगणना होनी है उनको लेकर तमाम तैयारियां हिसार में भी पूरी कर ली गई है। कैंपसर राजेंद्र कुमार के साथ रोहित कुमार, जी मीडिया हिसार।